बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए सीता मैया की जय। आप सुन रहे हैं फाग रामायण दशरथ के कई का जवाबी मुकाबला, जिसकी प्रस्तुति सुरमाला चैनल जबलपुर द्वारा दी जा रही है। गायक हैं सम्मानी सत्येंद्र पटेल जी गुर्जर सलेमा जिला सिवनी। दूसरे गायक हैं संतोष भगत डूड़ी पाटन वाले वर्तमान निवास गुटेगांव नरसिंहपुर। क्या कहना है, दासी मंथरा ने जाकर के, दासी मंथरा ने जाकर के और भरे के कई के कान, राम राजा बन जाएंगे घट जाए तुम्हारे। मंथरा के बहकावे में आके उड़के कई रानी ऐठी हैं, कोप भवन में जाए के मचला मारे। दशरथ जी गए पास में प्रेम से बोले हैं बानी, और किस कारण से तुम्हें रूठी हो बताओ हमें के कई। अरे मछली है के कई नहीं माने, जी दशरथ जी सामे ओ रे।
जब कैकई रानी कोप भवन में चली जाती हैं और जब दशरथ जी को जानकारी होती है, तब कैकई रानी के पास जाते हैं, समझाते हुए क्या कहते हैं। अरे समझाए कैसी ऐठी हो और को भवन में आने काय के कई बे राम राजा बनने जा रहे और खुशियाँ छाई अपार। अरे ऐसे खुशी के समय पे रे बैठी हो मचेला अरे रानी कैकई, आज हमारे सबसे प्रिय पुत्र राम का राज्य तिलक होने जा रहा है। तुम्हारे राम आज अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, ऐसी खुशी के समय पर तुम रूठी हो रानी, क्या बात है? यदि तुम्हें कोई चीज चाहिए तो हमसे मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। अरे राजन, तुम्हें हमसे क्या लेना देना है? जाओ अपने राम को राजा बनाने की तैयारी करो। तुम्हें तो हमारी कोई चिंता नहीं है, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते। अरे अपार सुर हो शर्मिंदगी, अभे तक आपने कछु नहीं दिया, बीत गई सारी। राजन यहाँ से जाइए,
पर तुम से करे नहीं बात। अरे हमें जो मांगे दे नहीं सको रे, रिया बे आप प्रेम के जी, मैं जो तुमसे मांगूंगी आप नहीं दे सकते, आप अपन स्वार्थी हैं। यहाँ से जाइए, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और यदि आप देने के लिए तैयार हैं तो पहले आप राम जी की सौगंध दिखाइए, तभी मैं वर मांगूंगी। अच्छा, मैं स्वार्थी हूँ? अरे रानी, तुम तो हमें सबसे प्रिय रानी हो, और आज इस खुशी के अवसर पर संसार की कोई भी चीज मांगोगी मैं जरूर दूंगा। बोलो कैकई, तुम्हें क्या चाहिए? मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, जो मांगोगी मैं दूंगा। बात जा पूरी करत हैं और हे रघुवंशियों की रीत, वचन से नहीं रे। क्या चाहिए है आप खे जरा मुख से, अरे बोलो बोल। ये रानी देवे के लाने खड़े रे, अब मांग लिए मांग लिए
अरे रानी कैकई, रघुवंशियों की रीत है, रघुवंशी जो वचन एक बार दे देते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं। सुनो जरा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। बोलो रानी कैकई, तुम्हें क्या चाहिए, एक बार मांग के तो देखो, मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूँ। अरे राजन, मेरे पुराने दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप पड़े हुए हैं, आज मैं आपसे मांग रही हूँ, मुकर मत जाना। सुनो जरा। अरे दिल खोल स्वामी, सुन लीजिए, दूसरों बर हम मांगते और होना नहीं रहा, अरे 14 बरस के तपसी भेस में जी राम जाए बोलब, जे राम जाए बनवास रे मछली है कि प्राणनाथ आपने मुझे वचन दिया है, राम जी की सौगंध खाई है, अब तो आप अपने बात पर अटल रहते हुए मेरे भरत को अयोध्या का राजा बनाइए और राम को 14 वर्ष के लिए तपसी भेष में वनवास भेजिए। अरे कैकई, तू ये क्या मांग रही है रानी, क्या मांग रही है, मेरे प्राणों से प्यारे राम को वनवास, तुझे लज्जा नहीं आई रानी? यदि तू भरत को राजगद्दी चाहती है तो मैं उसे राजा बना दूंगा रानी, लेकिन तू राम को वनवास मत भेज रानी, मत भेज, मत भेज रानी। हे राम, निराश मन कपे कलेजो, कलेजो दद्दो उर्यात्मा है मेरी, राम राम घे बने ने राम बनवास नहीं मांग रही, और मांग रही
हमारे प्राण। और राम बिना जी नहीं सके रे, अरे रानी के कई कह दे कि ये मजाक है, तू राम को वनवास मत भेज रानी, राम वनवास याने दशरथ की मौत, तू अपने पति को क्या मृत्यु दंड देना चाहती है अभागिन। हे राजन, अभी तो आप बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? हे अयोध्या नरेश, आप तो कह रहे थे कि मांगो कैकई, मैं संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु दे सकता हूँ। सुनो, अरे जवान फिर बचन तोड़ दो, रे सत्य धर्म की रे बात जुबा से करना। राजन रघुकुल में आप के यही चली है रीत, अरे प्राण जाए बचन जावे नहीं, गा रहे थे भाई तुम तो। अयोध्या नरेश, क्या तुम्हारे रघुकुल में यही रीत चली आ रही है? यदि आप अपने वचन नहीं निभा सकते हो तो मत निभाइए, लेकिन आज से अपनी जवान पर कभी सत्य धर्म की बात नहीं लाना। अरे दुष्टनी के कई, मैं ऐसी बात सपने में नहीं सोचता था कि राम के साथ तू इतना बड़ा धोखा करेगी। अरे पापनी कैकई, मैं तुझे गलत सोचता था कि रानी कैकई बड़ी धर्मपरायण स्त्री है, तू माँ कहलाने के लायक नहीं है, तूने तो बड़ा अंधेर कर दिया। अंधेर नीत प्रीत हृदय से निकली उर्ज से हार, समझ लगाया गले आज
वह नाग ने, जिस राम ने कौशल्या से अधके, और तुझे किया है प्यार, और बनवास उसी के रही भेजा रे है जीवन खेल अरे रानी कह कही, तू अपने वचन वापस ले ले रानी, वापस ले ले मेरे राम को, बनवास मत भेज रानी, मत भेज। तुझे संसार की कोई भी चीज चाहिए तो मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन राम को बन मत भेज रानी, मत भेज। अरे रघुवंश रोमणि, मैं अपने वचन से नहीं टलूंगी, जो मांग लिया सो मांग लिया, यदि दे सकते हो तो दो, नहीं तो मना कर दो, अपने वचन तोड़ दो। अरे बेकरार हो, बात नहीं भा रही है, अरे रघुवंशी अब नरेश हंसी रे तुम्हें पे, देखें बचन तुम गए मुकरे, उरे हंसी करेंगे लोग, अरे जब जे हो कोई दरबार मेरे, रे होने बेगन राजन, यदि तुम अपना आज वचन तोड़ दोगे तो तुम्हारा वंश सदा के लिए कलंकित हो जाएगा और संसार तुम्हें कभी सम्मान नहीं देगा। अरे रानी कह कही, हंसेगा संसार जरूर, मेरे ऊपर हंसेगा कि राजा दशरथ को धिक्कार है एक रानी के प्रेम के वशीभूत होकर बिना सोचे बिचारे ना देने लायक वरदान दे दिया और अपने पुत्र को वनवास भेज दिया। लोग के हैं नृप गंधा,
बेटा के बन दो भिजा रानी के प्रेम में भाओ। किस मुख से राम से कहें रे बेटा आप बन जा, और संतोष भगत दशरथ जी कहें रे अब कैसे मन समय नहीं माने।